हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आपको एक अपने नए ब्लॉग में खुश आमदीद। तो पिछले 3-4 दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो एक मसला ये था कि मेरा मोबाइल हो गया था ख़राब, टूट गया था, वो बनवाना था। तो उसको बनवाने में और 2-3 दिन लग गए बनवाने में। तो सबसे पहले तो आपको अगर यूट्यूब की दुनिया में आना होता है तो आपके पास एक अच्छा सा कैमरा या मोबाइल होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास अच्छे से गैजेट्स वगैरह होने चाहिए। गैजेट्स में ट्राइपॉड स्टैंड आ गया, ईयरबड्स स्टैंड होते हैं, और उसके पास आपके पास एक अच्छा सा माइक होना चाहिए। तो ये मतलब चंद अहम चीज़ें हैं जो कि ब्लॉग या ब्लॉगिंग में काम आते हैं और यूट्यूब की दुनिया में काम आते हैं। तो खैर, कहने का मतलब ये कि जो पहले मेरे पास खाली एक मोबाइल था, उसके बाद मैंने ये एक स्टैंड लिया। ये बेसिकली गाड़ी के इस्तेमाल के लिए था, लेकिन इसको मैं दूसरे कामों के लिए भी चला लेता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ख़राब हो गया। इसमें जो मोबाइल होल्ड करने वाला जो वो रबड़ वगैरह दी होती है वो कम हो गई, जिसकी वजह से मेरा मोबाइल का नुकसान भी हुआ और मेरा मोबाइल थोड़ा ख़राब हो गया। ख़राब कर उसका यूनिट ख़त्म हो गया गिरने की वजह से, इतने होल्ड सही किया नहीं तो जिसकी वजह से मोबाइल टूट गया। उसके अलावा मैंने ये माइक लिया था, ये सिंपल सा माइक है, एक सादा सा। ये भी ख़ास महंगा नहीं था, ये काम जैसे माइक था ताकि वीडियो सही बन सके और जो वीडियो में का की आवाज़ होती है वो सही आ सके। लेकिन अब थोड़ा मैंने एक तो और चीज़ें दी हैं, तो आज के ब्लॉग भी ऐसी चीज़ के बारे में। एक तो मैंने स्टैंड लिया, स्टैंड के अलावा एक और माइक लिया है सोनी का। तो आज ये मेरे पास सामने पड़े हुए हैं। तो आज के ब्लॉग ऐसी कि अनबॉक्सिंग के बारे में आपको बताता हूँ, उसके बारे में। तो इसको खोलते हैं और चेक कराते हैं आपको। तो बेसिकली ये एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया है मैंने, ये हो गया ट्राइपॉड स्टैंड। ये इसके नीचे ये पेन वगैरह दी हुई हैं सारी चीज़ें। ये काफ़ी है, मतलब लंबा भी कर सकते हैं अपने जितनी आपकी ज़रूरत होती है। तो ये यहाँ पे टेबल पे भी होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल वगैरह होल्ड होता है, और नीचे इसके मज़ीद ये जो वहाँ यहाँ पे ये पेन वगैरह लगी होती हैं, और नीचे इसकी ये जो स्टिक वगैरह हैं ये नीचे भी हो जाते हैं, लंबी भी हो जाती हैं। तो सेटअप करके और दिखाएंगे आपको कि किस तरह एक पूरा एक वीडियो बनाने के लिए किस तरह इसको होल्ड करते हैं और किस तरह इसको रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये इतना है कि आप अगर मेज़ पर बैठे हैं या टेबल पर चेयर पर बैठ कर ब्लॉग बनाते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है इतना है। लेकिन आप अगर आउटडोर जाते हैं वीडियो वगैरह बनाने के लिए, यहाँ से नीचे इसकी ये क्लिप वगैरह लगे हुए हैं, इनको खोल कर आप ये जो टांगे वगैरह हैं ये लंबी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये ऐसे ये मज़ीद होल्ड हो सकती हैं, नीचे आ सकती हैं। यहाँ से भी अगर आप चाहें ना इसको मज़ीद ये देखें, टांग मज़ीद इसको भी ओपन होना है, लेकिन वो ओपन थोड़ी कम हुई है। इसको मज़ीद ओपन करते हैं, इसको मज़ीद इस तरह भी कर सकते हैं आप। तो ये हो गया ओपन, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको कहीं आप भी अगर आउटडोर आप जाना चाहें या आउटडोर ब्लॉग वगैरह बनाना चाहें वीडियो, तो ये आपको एक आपका अगर कोई साथी नहीं है साथ कैमरा होल्ड करने के लिए, तो ये एक आपको साथी का साथ देगा। तो यहाँ पे ऊपर ये नए ऊपर कैमरा होल्ड होता है, यहाँ पर बाकी है, और नीचे सारे और ये स्टिक है, ये नीचे इसकी टांगे जिसको कहते हैं करते हैं, और किस तरह इस पर ब्लॉग वगैरह बनाते हैं। तो फिलहाल इसको करते हैं जी बंद।
कुछ सोनी का माइक लिया मैंने, या फिर आपको माइक की अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं भाई इसमें क्या क्या चीज़ें साथ उसमें उन्होंने दी हुई हैं। सोनी वैसे कंपनी अच्छी है, जो मैंने पहले लिया था वो आम ब्रांड का था, लोकल था वो, लेकिन ये सोनी का लिया मैंने। तो यहाँ आप इसको चेक करते हैं ओपन, और इसके साथ इतनी लंबी वायर है पहले तो ये देखें, ये बेसिकली ये चीज़ है, ये माइक है। तो अगर आप वीडियो बनाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये देखें जी, इतनी लंबी वायर दी हुई है, और इसके साथ ये वाइट कलर, ये भी वायर दी हुई है। तो यहाँ पे एक वायर यहाँ लगेगी और ये दूसरा मोबाइल में सेट होगी। तो ये माइक हो गया। तो फिलहाल ये दो चीज़ें मैंने ली हैं जो मेरे लिए ज़रूरी थी और व्लॉग बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती थी इन चीज़ों की। तो फिलहाल तो ये नहीं है, उसके बाद इंशाल्लाह ऐसा ऐसा जैसे जैसे काम हो आगे चलता जाएगा तो बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह लेंगे। तो ये तो हो गया सोनी का माइक, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट है वो इंशाल्लाह वो लेंगे दूसरा ब्लूटूथ वाला माइक। तो ये जो दो चीज़ें थी और आज के व्लॉग भी इसी चीज़ के बारे में बताया, इंशाल्लाह अगली वीडियो के दूसरे से मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा कि किस तरह पर मोबाइल वगैरह सेट करते हैं और वीडियो किस तरह बनाते हैं। तो होप सो वीडियो पसंद आएगी। आज के व्लॉग इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। नई स्टोरी ये होगी कि आपको सेटअप करके दिखाएंगे इस बेस पर मोबाइल कैसे होल्ड करते हैं और वीडियो कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, होप सो वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।